सो वेलकम बैक गाइस। यहाँ पर तो आज का वीडियो गेम प्ले नहीं होने वाला है गाइस। यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस यहाँ पर आदि पुरुष फिल्म के बारे में, जो कि बनी है गाइस यहाँ पर 600 करोड़ के बजट में। और 600 करोड़ लगाने के बाद भी इस फिल्म के मेकर्स ने बनाई गाइस यहाँ पर ऐसी घटिया फिल्म, जो कि हिंदू धर्म का और लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करती है। ऐसी मतलब कि रामायण का मजाक बना दिया है ऐसी फिल्म बनाई हुई है यहाँ पर 600 करोड़ लगाने के बाद भी। वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ, बाकी वीडियो में आगे तो बुराई है भाई। तो इस फिल्म में कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और इसके जो सॉन्ग्स है वो काफी बढ़िया है। मतलब कि इसके जो सॉन्ग्स अगर हम लोग सुने, जैसे कि जय श्री राम और बहुत सारे सॉन्ग्स आए, 2-3 सॉन्ग्स आए, तो उनको सुनकर सच में बूस्ट बम्प आ जाते हैं भाई। और अजय अतुल ने जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है और काफी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है। और तो और गाइस यहाँ पर इस फिल्म में एक बात का ध्यान रखा गया कि जैसे कि जो लक्ष्मण था वो कभी भी सीता माता के चेहरे को देखता नहीं था, मतलब कि वो एक रिस्पेक्ट से मतलब कि उनके पैरों को ही वो देखता था, उस बात का इस फिल्म में खास ध्यान रखा गया है। और तो और रावण को ऐसा श्राप था कि वो किसी भी वुमन को फोर्सफुली टच नहीं कर सकता, तो इस बात का भी इस फिल्म में पूरा ध्यान रखा गया है कि रावण ने सीता माता को बिल्कुल भी टच नहीं किया है किडनैप करते वक्त, मतलब कि अपहरण उनका, मतलब कि रावण जब सीता माता का अपहरण करता है तब वो बिल्कुल भी उनको टच नहीं करता, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इसके अलावा कुछ सीन ऐसे है जिनमें VFX बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और कुछ सीन अच्छे भी है इस फिल्म में। इतनी अच्छी बात है, अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स, बुराई, जो भी आप लोग कह लो भाई यहाँ पर। तो इस फिल्म में तो इतनी सारी गलतियां है और बुराई है भाई यहाँ पर कि मैं सब कुछ बताने गया ना तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ भाई यहाँ पर। बाकी तो आप लोगों ने, जैसा कि देश में माहौल है मतलब कि सोशल मीडिया पर, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई इस फिल्म में क्या क्या कमी है। जैसे कि इस फिल्म के डायलॉग्स भाई, डायलॉग्स तो स्पेशली हनुमान के डायलॉग्स भाई यहाँ पर, स्पेशली वो वाला डायलॉग हनुमान का कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। भाई क्या डायलॉग भाई, हनुमान जी ऐसी भाषा में गाइस यहाँ पर, जो हमारे जो हनुमान जी थे वो कभी भी किसी से ऐसी भाषा में तो बात नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो सामने, बट ऐसी भाषा में तो बात नहीं करते थे। हनुमान के पास कितने ज्यादा नॉलेज थी, मतलब कि इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि हनुमान के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, बल्कि उनके पास तो बहुत सारे वेदों की नॉलेज थी, उनको सब कुछ पता था, बट वो एक टाइप से उनका स्वभाव ऐसा था कि भोला स्वभाव था, लेकिन वो ऐसे टपोरी तो नहीं थे भाई। यहाँ पर हनुमान जी जैसे भी थे बट इस फिल्म में जैसा उनको दिखाया गया है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे भाई। और अगर बात करें भगवान श्री राम के रोल के बारे में, तो भाई मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा एकदम ईमानदारी से, मतलब कि पूरे दिल से, कि प्रभास जो है वो इस रोल में सूट ही नहीं कर रहा भाई यहाँ पर। मतलब कि प्रभास की एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने देखी थी बाहुबली में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे एक्टिंग है गाइस यहाँ पर इस रोल में भाई, इसमें सूट ही नहीं कर रहा वो। और राम जी का जो कैरेक्टर है वो भी इसमें एकदम वीक दिखाया गाइस यहाँ पर, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो भगवान श्री राम जी है भाई यहाँ पर, और चल भी ऐसे स्लो मोशन में रहा है जैसे कि कोई 3D कैरेक्टर हो ऐसा लग रहा है भाई, और एकदम स्लो मोशन में सारे एक्शन है भाई, और हमेशा गुस्से में रहने वाला कैरेक्टर बना दिया है भगवान श्री राम को भाई यहाँ पर। वो उनके चेहरे पे थोड़ी सी हल्की सी स्माइल रहती थी एकदम, और उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि भाई, और ये मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, उन लोगों ने लक्ष्मण को भाई क्या बना दिया, उनका नाम इस फिल्म में शायद शेष है भाई यहाँ पर, शेष नाम दिया है, और उनको कुछ अच्छे डायलॉग्स ही नहीं थे भाई। रामानंद सागर की रामायण में देख लो कितने अच्छे से उनको पोर्ट्रेट किया गया पर, मतलब कि कितने अच्छे से उनको दिखाया कि भाई लक्ष्मण जी ऐसे थे भाई, जब उनको गुस्सा आता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था भाई, ऐसे थे लक्ष्मण जी इस फिल्म में। तो क्या ही बताया भाई यहाँ पर, इतना वीक कैरेक्टर भाई, और डायलॉग्स भी उनको अच्छे नहीं दिए गए। अब बात करते हैं सीता माता की भाई। सबसे पहली बात की जो सीता माता थी वो कभी भी भगवान राम का नाम नहीं लेती थी भाई, मतलब कि वो हमेशा उनको प्रभु या फिर कुछ और करके बुलाती थी, बट उनका कभी भी डायरेक्ट नाम नहीं लेती थी, बट इस फिल्म में तो वो साफ साफ बोल रही कि राघव। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। सीधा सीधा बोल रहे राघव, तो भाई ये थोड़ा सा सेंटिमेंट हर्ट करने वाली बात आ गई भाई। बात तो सही है भाई कि ऐसा ये बिल्कुल ही गलत सीन है। और इसके अलावा हनुमान को और राम जी को और लक्ष्मण जी को सबको लेदर का जैकेट पहना दिया भाई, लेदर का कपड़ा पहना दिया है भाई यहाँ पर। पता नहीं ये किसका आइडिया होगा भाई कि हम लोग ऐसा करते कि उनको लेदर का सब कुछ, चप्पल सब कुछ भाई यहाँ पर लेदर का। और जो हनुमान जी है वो भी उनके
के रोल में सूट ही नहीं कर रहे भाई। यहाँ पर हनुमान लग ही नहीं रहे भाई, हनुमान जैसा हम लोग सोचते हैं वैसे हनुमान है ही नहीं भाई, कुछ अलग ही कैरेक्टर है भाई। और इसके अलावा अगर हम बात करें रावण के बारे में तो भाई रावण को इन्होंने पूरा का पूरा भाई यहाँ पर एकदम छपरी बना दिया, छपरी आज के जमाने के जो छपरी होते हैं वैसे छपरी बना दिया रावण। मैं मानता हूँ कि रावण बुरा था, उसमें लाख बुराइयां थी, बट वो कभी छपरी नहीं था भाई। आई नो कि आप लोगों ने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा भाई, भाई यही सच्चाई है कि रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन वो कभी भी छपरी नहीं था, वो कभी भी हेयर कट ऐसा नहीं करवाता था, बात तो सही है, और ना ही वो कभी चमगादड़ पे जाता था भाई यहाँ। और इन्होंने पुष्पक विमान बनाया है भी है इस फिल्म में, बट उसका उपयोग उसका जो यूज है वो एक भी सीन में नहीं है भाई। सिर्फ जब भगवान श्री राम रावण को मार के अयोध्या वापस लौटते हैं तभी सीन है भाई। जब रावण के पास पुष्पक विमान था तो भाई उसको इस चमगादड़ या फिर ड्रैगन जो भी आप लोग कह लो उसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई। और ऊपर से रावण उस चमगादड़ को मीट खिला रहा है भाई, यहाँ पर मांस खिला रहा है, जबकि रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के साथ साथ वो चारों वेदों का ज्ञाता था, एक स्कॉलर भी था भाई। यहाँ पर उसके पास बहुत सारा नॉलेज था और इतना नॉलेज था कि जब राम जी ने उनको मार दिया था तब लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा था कि भाई तुम रावण के पास जाओ और उनसे कुछ सीखो भाई कि राजपाट कैसे चलाते हैं, और बहुत सारी चीजें सीखने को बोली थी। तो भाई इन लोगों ने ऐसा पता नहीं रावण को बताया ही क्या भाई। ये तो बात हो गई रावण की, उसके बेटे की बात करें भाई इंद्रजीत की भाई। यहाँ पहली बात तो जब मैंने इंद्रजीत को पहली बार देखा तब मुझे लगा ही नहीं कि भाई ये इंद्रजीत है भाई, और ये वही एक्टर है जो कि टार्जन द वंडर कार में था भाई, और भाई कितना मॉडर्न लुक दिया है भाई यहाँ पर। एक बात मुझे इस पूरी फिल्म में समझ में नहीं है कि भाई इसमें कोई मुकुट ही नहीं पहनता था भाई यहाँ पर, रावण के सर के ऊपर ना तो मुकुट है, ना इंद्रजीत के ऊपर है और ना ही हमारे भगवान श्री राम जी के सिर पर मुकुट है। राम जी का तो समझ में आते वो तो वनवास में थे, बट भाई रावण इंद्रजीत बाकी सारे लंका में जो कैरेक्टर थे उनके सिर पर तो भाई मुकुट होना चाहिए, बात तो सही है, उनके ऊपर भी कोई मुकुट नहीं है। और विभीषण और इंद्रजीत दोनों का दोनों एक ही कैरेक्टर लग रहे हैं भाई यहाँ पर, मतलब कि दोनों को एक ही जैसा लुक दिया है, मतलब कि उनको एक काला कपड़ा दिया गया है, एक लेदर की जैकेट है, नीचे धोती, और स्टाइल तो भाई आज के जमाने का एकदम लेटेस्ट भाई यहाँ पर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 7000 साल पहले बार्बर कहाँ थे भाई यहाँ पर, वो भी इतने ट्रेंडिंग हेयर कट देने वाले भाई, और टैटू आर्टिस्ट भी थे भाई उस टाइम पर। पता नहीं ओम राउत ने और उसकी टीम ने पता नहीं कहाँ से रिसर्च किए भाई, इंद्रजीत के पूरे शरीर पर टैटू है भाई, उसकी पावर की बात करें तो भाई उसको पूरा का पूरा फ्लैश बना दिया इन लोगों ने, उसके पास कोई और पावर नहीं थी क्या? इंद्रजीत के पास बहुत सारे ऐसे अस्त्र थे जिससे कि वो पावरफुल बनता था, उसके पास एक खास वरदान भी था भाई जिससे कि उसको कोई नहीं मार सकता, मतलब कि उसका ऐसा वरदान था कि उसको सिर्फ वही बंदा मार सकता है जो कि 14 साल से ना तो सोया हो, ना ही उसने 14 साल से किसी स्त्री का मुख दिखा हो, और ना ही उसने कभी 14 साल से कुछ खाया हो, वही उनको मार सकता था जो कि लक्ष्मण जी थे। और इस फिल्म में ऐसा दिखाया कि इंद्रजीत को पावर्स मिलती है एक बाथटब के जैसा कुछ है गाइस यहाँ पर, जिसमें कि वो नहाता है और उसके बाद उसको पावर्स मिलती है। कौन सी रामायण पढ़ी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी रामायण में ऐसा लिखा है भाई, इन्होंने अपनी रामायण बना दी है भाई। हम सबको पता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई संजीवनी बूटी है कौन सी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई कि चलो मैं पूरा पर्वत ही उठा लेता हूँ, वो जो वैद्य है वो अपने आप ही इसमें से संजीवनी बूटी को ढूंढ लेगा, ऐसा सोचा था। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया यहाँ पर कि हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत इसलिए उठाते क्योंकि गई यहाँ पर उन्होंने ऐसा सोचा आज लक्ष्मण जी के ऊपर अटैक हुआ है, कल को किसी और के ऊपर भी हो सकता है, तो पहले से स्टॉक में रखते है भाई यहाँ पर, ऐसा रीजन दिखाया गया यहाँ पर, मतलब कि पता नहीं क्या ही बना दिया इन लोगों ने भाई। और VFX भाई यहाँ पर रावण के 10 से जो सेगमेंट में थे, मतलब कि एक आर में थे, उन्होंने उसको डबल टेकर बस की तरह बना दिया भाई यहाँ पर, जो कि पता नहीं किसका आइडिया था भाई यहाँ पर, जिसका भी आइडिया था उसको ढूंढो और उसको काम से निकालो भाई यहाँ पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, पता नहीं किसको ऐसा सोचा था। अब ये तो हो गई फिल्म की बुराई, अब जब जनता ने इस फिल्म के मेकर्स से जवाब मांगा तो इस फिल्म के मेकर्स का क्या कहना है भाई, जिसने कि इस फिल्म को लिखा है, इस फिल्म के राइटर है मनोज मुंतशिर, उनको इस डायलॉग के बारे में जब उनको पूछा गया तब देखो का क्या रिप्लाई आता है। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है, क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? सब जो है
हम सब रामायण को कैसे जानते हैं करना, मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है, एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथा वाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। मनोज जी का ये कहना है कि बहुत सारे कथावाचक भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और यूथ को कनेक्ट हो सके इसलिए उन्होंने ऐसी टपोरी लैंग्वेज का यूज किया है भाई यहाँ पर। उनका ये कहना है कि भाई संस्कृत भाषा किसी को समझ में नहीं आएगी, तो भाई यहाँ पर उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप रामानंद सागर की रामायण देख लो भाई, उसमें भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन उनको पूरी देश ने देखा है। मतलब कि मैंने पर्सनली बहुत, मतलब कि मैं उसी रामायण से मुझे सारी चीजें पता चली है भाई। रामानंद सागर की रामायण में भी भ्राताश्री और पिताश्री और ऐसे का उपयोग हुआ है बट फिर भी सबको समझ में आ रहा है और सब लोग उससे कनेक्ट भी हो पा रहे हैं, तो ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ। और जिनकी ये बात कर रहे हैं कि आज के यूथ के बारे में, तो भाई आज का यूथ ही सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहा है भाई। आज मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यही खत्म कर दो। बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे, स्टोरी गलत है, ये वीएफएक्स तो इतना। जनरेशन तो इसका विरोध कर ही रही है लेकिन जो एल्डर्स है सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं भाई। यहाँ पर पूरा देश विरोध कर रहा है। जब इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ था तब भी लोगों ने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और इसका विरोध किया था, तब इस फिल्म के मेकर्स ने क्या बोला था आप जरा सुनो। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है, तो इसका सीधा जवाब यह है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और अब जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और अब भी जनता इसका विरोध कर रही है, तब इस फिल्म के मेकर्स का क्या कहना है भाई? कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी मनोज मुंतशिर ने अपना बयान बदल दिया भाई। ये लोग आपस में ही कंफ्यूज है, मतलब कि इसके डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने रामायण बनाई है और इस फिल्म के जो राइटर है वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने रामायण नहीं बनाई है। ये लोग आपस में ही कंफ्यूज है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब बाहुबली 1 आई थी उसको जब लोगों ने देखा था तब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। आज जब आदि पुरुष आई और उसको लोगों ने देखा तब भी उनके मन में एक सवाल आया, 600 करोड़ गए तो गए कहां भाई। बाकी तो यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और मैं वैसे तो इन टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ गेम प्ले गाइस, यहाँ पर आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।